नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी के लहसुन मंडी में मौजूद है। खास बात यह है कि आज मंडी का आखिरी दिन है। आखिरी दिन से आशय मेरा यह है कि आगामी जो चार दिन है उस दौरान अवकाश रहेगा, जिसके चलते ना नीलामी होगी ना मंडी खुलेगी। ऐसे में किसान भाई जो आज अपनी उपज लेके आए हैं अब आगे चार दिन बाद आ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि लहसुन मंडी में आज जो है ज़्यादा नहीं लेकिन 4-5 रुपये की तेज़ी देखी जा रही है। वहीं दूसरी बात करूं तो आज भी लहसुन के दाम किसानों को काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। आज जो दाम है औसत दाम एक बेस्ट जो बढ़िया क्वालिटी का था ऊटी में वो 20,000 रुपये गया है। वहीं दूसरी ओर नीचे की बात करें तो जो औसत भाव की बात करें ऊटी में तो 16,000-17,000 से लेकर नीचे 7-8 हज़ार रुपये तक 7,000 तक जा रहा है। इसी तरफ जो देसी की बात करें तो देसी भी आज एक बढ़िया क्वालिटी का था जो 14,000 से ऊपर गया और औसत भाव जो करें तो 12-13 से लेकर 5-6 के करीब आ रहे हैं। इस दौरान में कुछ किसान भी हैं जिनकी उपज आज वो लेके आए हैं, कैसे आए हैं, कब आए हैं, एक भाऊजी है, भाऊजी से बात करते हैं। भाऊजी कहाँ से आए आप? गोड़खेड़ी। कहाँ पर आता है? कोटा जिला रामगंज मंडी से। लहसुन लेके आए? हाँ। कौन सी लहसुन है आपकी? या क्या भाव के बताओ, देखो सैंपल बता दो इसका। अच्छा ले लो, धोबा भर लो। ये देखो 13,551 गई है। मतलब ये देख लिए देसी लहसुन है और 13,551 गई है, तो आप अंदाज लगा सकते हो कितने अच्छे दाम अभी मिल रहे हैं। गोड़खेड़ी गाँव। क्या 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 लग रहा है आपको जो आने वाले दिनों में दाम कैसा लग रहा है? आपको कैसा लगा ये जो भाव मिला? बढ़िया। आप रामगंज मंडी मतलब कोटा जिले से आए? हाँ, कोटा जिला से। आपके पास कोटा मंडी थे, वहाँ नहीं गए आप? यहाँ नीमच में अच्छा दाम मिलता है। नीमच में। आप भी लहसुन लेके आए? कहाँ से लाए? रामगंज, मतलब दोनों एक ही गाँव का। एक ही गाँव का। आपका कौन सा ढेर है? वो वाला। चलो आते हैं। अरे कोई बात नहीं, एक ले लिया जिसमें कोई भाव है वो 11,600 है। 11,600। आपका ढेर बता दो। एक और किसान भाई ये देखिए इधर, जो ये जो ढेर है क्या क्या भाव है? 12,250। 12,250। हाँ। कैसा भाव लगा? अच्छा लगा। तो कहाँ से आप? रामगंज मंडी से। हाँ। तो कुल मिला के जो भाव है तो वो जो है वो काफ़ी अच्छे दाम मिल रहे हैं, किसान भी काफ़ी खुश है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि इन दिनों जो आवक है वो पहले की अपेक्षा कम देखी जा रही है। जो औसत आवक अभी 2-3 दिनों में देखी गई है वो लगभग 10,000 के करीब है। आज भी लगभग 8 से 10,000 बोरी की आवक हुई है। और जो भाव मैं बता ही चुका हूँ पहले कि इस तरह के लूटी में और देसी में रहे हैं। खास बात आप किसान भाइयों के लिए है कि आगामी चार दिनों तक मंडी अवकाश रहेगा और ये जो अवकाश रहेगा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है इस वजह से भी है, कुछ तीज त्यौहार हैं इस चक्कर में भी है। तो जो चार दिन बाद मंडी खुलेगी और किसान भाई अपना उपज जो लेके आए वो चार दिन बाद आए। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।